हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डीबी ब्लॉग। और मैं आज आपको यहाँ पर एक मशीन आई हुई, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक मशीन आई हुई है जिसमें यहाँ पर लोग पुराने कपड़े दे करके इसके टुकड़े, बहुत बारीकी से इसके टुकड़े हो जाएंगे और इसमें इसको भर करके फिर रजाई बनाया जाएगा, सॉरी गद्दा बनाया जाएगा। तो देखिए इसमें पूरा कपड़ा को ये किलो के भाव से गिन लिए हैं और उसमें ये जो बोरी आपको जो दिख रही है ग्रीन कलर, इसमें पूरी बोरी में कपड़े भर दिए गए हैं, सॉरी उसमें कपड़े डालेंगे उधर से और ये जो बोरी आपको दिख रही है उसमें टूट टूट के आएगा। तो देखिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ जो आप भी कर सकते हैं। घर में इतने सारे कपड़े रहते हैं, इतने सारे कपड़े भर जाते हैं जिसका हम सोचते हैं कि कैसे करें, या फिर हम किसी को दे देते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, और हम जब किसी को नहीं दे पाते हैं तो आप इस तरीके से मशीन ये यहाँ पर रोड पे चलती रहती है और इन्हीं को बुलाया जाता है। एक किलो के भाव से कपड़ा ले करके उसे बहुत बारीकी से तोड़ते हैं। देखिए जैसे कि ये मशीन के द्वारा ये कपड़ा कट रहा है, टूट रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके बाद ये उसका गद्दा बनाते हैं। तो चलिए देखेंगे आगे।
तरीके से इसको बारीक किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि फिर से एक बार और होगा, तो देखिए आप देख रहे होंगे कि फिर से इसे एक बार ले जाया जा रहा है। फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से इसमें भर दिया गया है और उसके बाद इसको पीटा जा रहा है। तो जो आपको मैं मटेरियल दिखाई थी, जो छोटे छोटे जो पार्ट्स में थे, वो इसमें भर दिया गया है और चारों ओर से सील दिया गया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। देखिए और उसके बाद इसे सील दिया जाएगा और फिर आपका जो गद्दा है आप बेड में बिछा के यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम लोग दिल्ली में या बड़े बड़े आजकल या हर जगह कह सकते हैं कि सभी जगह इसी प्रकार के गद्दे मिलते हैं। और हम सोचते हैं कि ये जो रेड कलर का जो अंदर डला हुआ है वो कहाँ से होगा, तो वो कहीं का नहीं है। जो छोटे छोटे कपड़े जो हमने देखे आपके सामने, तो कपड़े के छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं और कपड़े के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने के बाद ये कपड़े के छोटे छोटे उसके बहुत बारीकी से उसे काटा जाता है। जैसे कि मैंने ये मशीन के द्वारा कपड़े को काटते हुए देखा और काटने के बाद इसे थोड़ा सा फैलाया जाता है ताकि ये चिपके ना रहें। और चिपकाने के बाद इसमें भर दिया गया है और देखिए मेरे पीछे देख रहा होगा, और भर दिया गया उसके बाद इसे पीटा जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपके घर में भी कपड़े हो और आप बचा के रखते हैं तो आप भी इस तरीके से करवा सकते हैं। ये मशीन इधर उधर घूमते रहती है तो आप उनको बुला सकते हैं। मैंने तो ये मशीन गन्ने का जो जूस पीते हैं उस तरीके से आवाज़ आई तो मुझे लगा कि वही मशीन है, लेकिन ये वो मशीन नहीं है, ये कपड़े काट करके गद्दा बनाने वाली मशीन है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।